नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप इस तरीके का पोस्टर कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल फोन से बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकराज और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल। तो अगर दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर आज सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का आगे भी वीडियो मिलता रहे और आप इसी तरह बड़ी आसानी से डिजाइनिंग कर पाए। तो दोस्तों, इस तरीके का पोस्टर बनाने के लिए मैं आप सभी को लेकर चलूंगा अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और वहीं पर आपको बताऊंगा कि इस तरीके का पोस्टर कैसे बनाना है। तो सब कुछ समझाने के लिए हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। मोबाइल पर आने के बाद आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, जिसका नाम है पिक्सल लैब। ओके, पिक्सल लैब एप्लीकेशन का आइकन कुछ इस प्रकार दिखेगा। आपको इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट दिखेगा। यहाँ पे आपको इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के लिए आपको डिलीट वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यूज इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देना है। सीधे आप अपने गैलरी में आ जाओगे। यहाँ पे आपको एक पोस्टर बैकग्राउंड मिल जाएगा, आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको ओके कर देना है। यह पोस्टर बैकग्राउंड आपको कहाँ मिलेगा, कैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे, चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। तो इस पोस्टर बैकग्राउंड को डाउनलोड करने के लिए सिंपली सा आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। मैंने इस पोस्टर का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, मैंने ये जो पोस्टर दिया है यह एक जिप फाइल में है और जिप फाइल में लगा है पासवर्ड। तो पासवर्ड आपको इसी वीडियो में कहीं पर भी स्क्रीन पर शो होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा। इसके बाद में आप इस पोस्टर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर आप बाद में कमेंट मत कीजिएगा कि आपने पासवर्ड नहीं दिया। पासवर्ड वीडियो के स्क्रीन पर ही शो होता है, ठीक है। जो लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, इसके बाद में कहते हैं पासवर्ड नहीं मिला, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पहले पूरा देखा करिए ध्यान से, इसके बाद ही कॉमेंट किया करिए। ओके, पासवर्ड आपको वीडियो में ही पता चल जाता है, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, फिर कमेंट करते हो कि पोस्टर का पासवर्ड नहीं मिला। इस पोस्टर को डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा ऑलरेडी मैंने डिजाइन कर दिया है। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ोटो लगाना है और जो आपका अपना नाम है, मोबाइल नंबर है, सोशल मीडिया आइकन्स है, जो भी आपको लगाना है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को बारी बारी से बताता हूँ कि कैसे आपको इसमें फ़ोटो, नाम और मोबाइल नंबर वगैरह लगाना है। तो सबसे पहले हम इसमें अपना फ़ोटो ऐड करेंगे। फ़ोटो ऐड करने के लिए आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देना है। सीधे आप अपने गैलरी में आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप लगाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया, जो कि हमारा ही फ़ोटो है, ठीक है। ये फ़ोटो सिलेक्ट होने के बाद ध्यान रहे दोस्तों, ये जो आपका फ़ोटो है वो PNG होना चाहिए। PNG अगर आप अपने फ़ोटो का नहीं बनाना जानते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि फ़ोटो को PNG कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद में आपको ओके कर देना है। फ़ोटो यहाँ पे आपका आ जाएगा। ओके, फ़ोटो को छोटा बड़ा करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो कॉर्नर दिख रहा है, आपको इसको पकड़ कर अगर छोटा करना है तो छोटा कर लीजिए, इसके बाद में बड़ा करना है तो बड़ा कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपना फ़ोटो सेट कर दिया है। आप भी अपने हिसाब से सेट कर दीजिए अपने फ़ोटो को। इसके बाद में अब आपको अपना नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली से आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। न्यू टेक्स्ट आने के बाद यहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट को लाना है और इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक न्यू टेक्स्ट दिखेगा, आपको इसे हटा देना है और यहाँ पे आप अपने नाम को लिख सकते हैं या आप जो भी टेक्स्ट देना चाहते हैं यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया है, इसके बाद में ओके करेंगे। नाम आ जाएगा आपका, नाम सही से दिख नहीं रहा है प्रॉपर,
तो आपको यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे कलर पे क्लिक कर देना है और कलर आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो भी आप टेक्स्ट का रखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने वाइट सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद में ओके करेंगे। फिर इसके बाद में आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको ये भी फॉन्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों पिक्सेल लैब एप्लीकेशन की तरफ से बेसिक फॉन्ट्स कुछ यहाँ पे मिलते हैं जो कि मेरे यूज़ का नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी फॉन्ट इंस्टॉल कर रखे अपने मोबाइल में, मैं उसी को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में ओके करेंगे। अगर आपको भी जानना है कि मोबाइल में फॉन्ट कैसे डाउनलोड किया जाता है, इंस्टॉल कैसे किया जाता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ओके, तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, नाम देख सकते हैं आप कितने स्टाइलिश तरीके से दिख रहा है। इसके बाद में आप चाहे तो अपना यहाँ पे नीचे सोशल मीडिया आइकन से ये अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीडियो क्रिएटर, ठीक है। मैं वीडियो क्रिएटर हूँ इसलिए मैं वीडियो क्रिएटर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे वीडियो क्रिएटर लिख दिया, इसके बाद में ओके करेंगे। ये वीडियो क्रिएटर आ चुका है, ठीक है। आपको इसे छोटा कर देना है और यहाँ पे सेट कर देना है। इसके बाद में आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप चाहे तो कलर पे क्लिक करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में ओके कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो फ़ोटो है, नाम है और जो आपका स्लोगन है वो लिख चुका है यहाँ पे। अब दोस्तों आपका जो पोस्टर है वो बिल्कुल ही आसान तरीके से तैयार हो चुका है। अब आपको इसे अपने गैलरी में सेव कर लेना है। गैलरी में सेव करने के लिए आपको यहाँ पे सेव वाले आइकन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सेव एज इमेज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जो आपका पोस्टर है वो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अब आप चाहे जहाँ पर इसे शेयर कर सकते हैं।